अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम बनाने जा रहे हैं गुलाब जामुन, और वो भी ओनली एंड ओनली ब्रेड से। तो हम करते हैं स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे हमने लिए हैं ब्रेड्स, उसको हमने मिक्सर में डाल कर लिया है ग्राइंड। ग्राइंड करने के बाद हमने ब्रेड्स को सेपरेट बाउल में कर लेना है, ताकि हम उसमें अच्छे से उसको हम गूंद सकें। अब हमने यहाँ पे ऐड करना है मिल्क। मिल्क आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं, जिसमें आपके ब्रेड क्रम्स अच्छे से मिक्स हो जाएं। अब मैंने स्टार्ट तो कर दिया मिक्स करना, पर मिक्स करते करते मुझे इसमें लगे ब्रेड क्रम्स थोड़े से कम, क्योंकि लोग हमारे घर में थोड़े से ज़्यादा। तो बस मैंने इसमें और ब्रेड और थोड़ा सा मिल्क और ऐड कर लिया, और इसको 10 टू 15 मिनट के लिए रख देंगे। अब हमने लिया है गोले का बुरादा, काजू और थोड़ी सी किशमिश, ताकि हम गुलाब जामुन के अंदर इस टॉपिंग कर सकते हैं। अगर चाहें आप तो इस स्टेप को स्किप भी कर सकते हैं, यह आपके ऊपर डिपेंड करता है, पर मैंने ऐड किया है। अब इसमें बाउल में करने के बाद हमने ऐड करना है मिल्क, उसको थोड़ा सा हम चलाएंगे, फिर उसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून शुगर। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा कलर भी ऐड कर सकते हैं, वरना आप इस स्टेप को भी स्किप कर सकते हैं। अब हमने बनाने हैं गुलाब जामुन, जिसके लिए हमने थोड़ी सी प्लेट को तोड़ के इसको थोड़ा हम राउंड शेप देंगे। राउंड शेप देने के बाद इसमें हम अपनी जो हमने स्टफिंग करी थी उसको हम फिल कर देंगे। अब हम इसको पूरी तरीके से क्लोज करके इसको बॉल का हम शेप दे देंगे, और इसी तरह धीरे धीरे करके हम अपने सारे गुलाब जामुन रेडी कर लेंगे। और देखें, ये रेडी हो चुके हैं। अब बस हम इसको साइड में रखकर हमें बनानी है चाशनी, जिसके लिए हमने हाई फ्लेम करके 1.5 कप पानी डाला, और इसी के साथ साथ हमने इसमें डाली 1 कप चीनी। और बस इसमें हमने डाल दी है चीनी, और चीनी के साथ साथ हमने इसमें डाले हैं 2 से 3 छोटी इलायची, और आप चाहें तो थोड़ा सा इसमें केवड़ा वाटर भी ऐड कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब हम इसको साइड में रख देंगे। अब हमारी चाशनी तैयार हो रही है। जब तक हमने एक कढ़ाई ली, उस कढ़ाई में हमने डाला है घी, ताकि जो हमने गुलाब जामुन बनाए हैं उसको हम इसमें अच्छे से फ्राई कर सकें। आप चाहें तो रिफाइंड का भी यूज़ कर सकते हैं, पर हमने लिया है घी। अब हमारा घी जैसे कि आप देख रहे हैं कि गर्म हो चुका है, तो बस हमने इसमें डाल दिए सारे गुलाब जामुन, और इसको हमें थोड़ा पे हाई और थोड़ा लो फ्लेम दोनों पे फ्राई कर लेना है। ये बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं होने चाहिए। अब सारे गुलाब जामुन अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, तो बस टाइम आ गया है इनको इसमें से निकालने का। अब मैंने सारे गुलाब जामुन को निकाल लिया है, और मैंने लिए एक बाउल, बाउल में डाली चाशनी, उस चाशनी में हमने अपने गुलाब जामुन को डाल दिया है। बस अब हमारे गुलाब जामुन गर्मा गर्म एकदम रेडी हैं खाने के लिए। तो बस अब आपने क्या करना है, हमारी रेसिपी को ट्राई करें और मुझे बताएं कमेंट बॉक्स में कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अब मिलते हैं इंशाल्लाह एक और नई रेसिपी के साथ।